बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिंपल एस्प्रेसो कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप एस्प्रेसो घर में बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रीम डलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रीम इज़ नॉट एसेंशियल, इट्स अप टू यू कि आपने डालनी है या नहीं। तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 टीस्पून कॉफ़ी, और ये मैंने 4 टीस्पून कॉफ़ी के ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 टीस्पून शुगर के, और इट्स अप टू यू कि आपने कितना मीठा पीना है। हमारे यहाँ कम मीठा पिया जाता है, तो हम कम शुगर ऐड करेंगे, और अगर आपके यहाँ ज़्यादा पिया जाता है तो आप ज़्यादा डाल दें। आप फॉक और विस्कर की मदद से इसे बीट कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इसे बीटर से बीट करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स वाटर के। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, पानी बस हमें इतना डालना है कि ये अच्छी तरीके से थिक हो जाए। अब हम इसे बीट करने स्टार्ट करेंगे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बीट करने स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत जल्द अपना कलर कैरेमल कलर में चेंज कर लेगा। तो हमने स्टार्ट कर दिया है बीट करना। मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, वो भी ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप्स ही डाले हैं या इससे कम, और ये बीट होने स्टार्ट हो गया है। ये देखें कैरेमल कलर आ रहा है इसके अंदर। कुछ लोग इसको इस स्टेज पे छोड़ देते हैं, जैसा इसमें ये दिख रहा है, तो हमने इस स्टेज पे नहीं छोड़ना है, वरना हमारा एस्प्रेसो कॉफ़ी का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा झाग भी नहीं बनेंगे। तो जितना हम इसे बीट करेंगे, उतने अच्छे हमें झाग वाली कॉफ़ी मिलेगी, जिसको एस्प्रेसो कॉफ़ी कहते हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से बीट हो रहा है, और ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें हमने क्रीमी फॉर्म आने तक इसको बीट करना है, जब तक ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का थिक ना हो जाए और क्रीमी फॉर्म ना आ जाए, हमें जब तक इसे बीट करते रहना है। अभी हम इसे और बीट करेंगे, ये देखें, क्योंकि इसमें ड्रॉप्स गिर रहे हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं अपने स्पून, फॉक या विस्कर, जिससे आप बीट कर रहे हैं। अगर इसके ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, तो मतलब ये अभी कम्प्लीटली बीट नहीं हुआ है। हम इसे और ज़्यादा बीट करते रहेंगे, जब तक कि फॉर्मिक क्रीमी इसका टेक्सचर ना हो जाए, जब तक हम इसे बीट करते रहेंगे। और ये देखें हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। ये देखें इसके ड्रॉप्स अब नीचे गिर भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके का हो गया है। अब हम इसमें पैन में 1 कप दूध ऐड करेंगे, और बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक बॉयल नहीं आ जाता, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून कॉफ़ी के मिक्सचर का। मैं 1 कप बना रही हूँ, तो 1 कप में 1 चम्मच ही डलेगा, याद रहे, वरना बहुत ज़्यादा, अगर आपने स्ट्रॉन्ग पीनी है तो आप और डाल सकते हैं, बट ये भी स्ट्रॉन्ग ही है। आपने 1 कप में 1 स्पून ऐड करना है, और बाकी आप अपनी फैमिली के लिहाज से देख सकते हैं। ये देखें हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है कितने ज़बरदस्त तरीके से, और हम इसे अब फाइनल लुक में दिखाते हैं। और ये देखें हमारी कॉफ़ी कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल एस्प्रेसो वाला इसके अंदर रिज़ल्ट आया है। और ये देखें हमारा फाइनल लुक, और ये देखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर और कमेंट करें अगर अच्छी लगी आपको मेरी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।